हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आ गया हूँ और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप कैसे किसी भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डायरेक्टली अपना फाइल मैनेजर में सेव करके रख सकते हो। डायरेक्टली नहीं, थोड़ा सा मतलब इनडायरेक्टली होगा, ठीक है ना? तो आप कैसे किसी भी एप्लीकेशन को अपने फाइल मैनेजर में कैसे सेव करके रखोगी, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है ना? तो चलिए, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है ना? वीडियो को लास्ट तक देखें, उसके बाद जो करना है आप करिए, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, वीडियो कर लेते फटाफट से स्टार्ट। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं टेक्निकल अपडेट इन हिंदी। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई भी एक एप्लीकेशन को आप अपने फाइल मैनेजर में रखने के लिए चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो इस एप्लीकेशन को, जिसका नाम है APK एक्सट्रैक्टर, ठीक है ना? तो ये एप्लीकेशन है। तो मान लीजिए प्ले स्टोर में कोई भी एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल किए और उसको अपने फाइल मैनेजर में रखने के लिए चाहते हो तो आपको क्या करना है? सिंपल सा इस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है और जो कुछ भी परमिशन मांगेगा आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है, परमिशन दे देना है, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो जैसे ही आपको अलाउ पे क्लिक करोगी तो भाई यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन आ जाएगा जो कि आपके फ़ोन में ऑलरेडी है। जैसे देखिए तो इंस्टाग्राम है, I2VPN है, जियो सावन है, JioTV है। मान लीजिए मुझे एक एप्लीकेशन को अपने फाइल मैनेजर में रखना है तो क्या करना है? सिंपल सा यहाँ पर देखिए तो 3 डॉट यहाँ पर क्लिक करना है, शेयर एंड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर कर देना है शेयर के ऊपर क्लिक। और ये देखिए तो हो गया एक्सट्रैक्टेड टू फाइल मैनेजर, मतलब वहाँ पर स्टोरेज में सेव होके रह गया है। अब सिंपल सा क्लियर कर देना है। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है, देन आपको यहाँ पर ढूंढना है, देखिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ढूंढते एक्सट्रैक्टेड APKs एक्सट्रैक्टेड एप्लीकेशंस, यहाँ पर देखिए तो सिंपल सा करना है क्लिक। तो यहाँ पर देखिए देखियो, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी एक्सट्रैक्ट किया इंस्टाग्राम, देखिए तो 5:15, 23 तारीख 5 यहाँ पर देखिए तो क्लिक करना है। ये देखिए तो ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहाँ पर भी सेंड कर सकते हो, जो कुछ भी करना है कर लीजिए, ठीक है ना? यहाँ पर सेव होके देखिए, ऑलरेडी ये मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, ठीक है ना? तो इसी तरह आप बहुत सारा एप्लीकेशन को एक्सट्रैक्ट करके अपने फाइल मैनेजर में रख सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट है, जीबोर्ड है, जो चाहिए आपको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ऑन इंस्टॉल भी हो गया आपका एप्लीकेशन, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से जाके फाइल मैनेजर में जाके आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, आपके MB का बचत हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस टाइप का है। तो ये था छोटा सा ट्रिक कि आप कैसे अपने किसी भी एप्लीकेशन को आप अपने फाइल मैनेजर में कैसे सेव करके रखोगी। तो दोस्तों, ये था छोटा सा प्रोसेस कि आप कैसे किसी भी एप्लीकेशन को अपना फाइल मैनेजर में कैसे रखोगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए, मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक रहते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।